नमस्कार, मैं दीति फौजर। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कैसे बढ़ाएं। आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल कई बीमारियों का खतरा पैदा करता है। इसमें एक बड़ी समस्या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी है, जिससे बॉडी में थकावट और सुस्ती बनी रहती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि ब्लड ही एंटीबॉडीज को शरीर के हर हिस्से में भेजता है, जिससे हमारी बॉडी वायरस आदि से लड़ने के लिए काबिल हो पाती है। इसलिए इसे लेकर लापरवाही सही नहीं रहती। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शरीर में नेचुरल तरीके से ब्लड की कमी को कैसे पूरा करें। इसके साथ ही हम आपको कुछ फ्रूट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें खाने के बाद आप अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सकते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन होना बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से हमारी बॉडी बाहरी मौजूदा वायरस या संक्रमण से लड़ने में नाकाम हो जाती है। ऐसे में आपको बताएंगे कि अपनी डाइट में काफी आप चीजों को शामिल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है। इसके लिए आयरन और विटामिन से भरपूर चीजों को खाने की सलाह दी जाती है। चलिए यहाँ जान लीजिए कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने वाले फ्रूट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जिससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बूस्ट किया जा सकता है। हरे पत्तेदार सब्जियां अपने आहार में शामिल करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए सागा पालक, शिमला मिर्ची और ब्रोकली खाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप मौसमी फल सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बता दें कि इनमें विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम जैसे कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अनार का भी सेवन कर सकते हैं, जो आपके ब्लड लेवल को बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, सी, आई, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे भरपूर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं। इसके साथ ही आप खजूर का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए खजूर बेहद असरदार होता है। लेकिन बता दें कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो इसकी जगह आप पंपकिन सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चुकंदर का भी सेवन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में चुकंदर भी काफी असरदार होता है। इसमें आयरन का खजाना मौजूद है, लेकिन समस्या स्वाद की आती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आपको भी अगर ये टेस्टी नहीं लगता, तो आप इसे अन्य सब्जियों के साथ सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जिससे आपकी हीमोग्लोबिन लेवल सही तरीके से बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।